गुरुजी प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक बंधुओं शिक्षिका बहनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यह वीडियो हमने आज जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और नई शिक्षा नीति का बिल भी सदन में पास हो गया है इस बिंदु पर बनाया गया है। तो आइए देखते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्यों बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, इसके अंतर्गत कौन कौन से विभाग आएंगे और नई शिक्षा नीति कब से लागू हो जाएगी। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल गुरुजी प्राइमरी एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MHRD नई शिक्षा नीति। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय हुआ। नई शिक्षा नीति को मोदी कैबिनेट से मिली मंजूरी। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 गेट्स कैबिनेट अप्रूवल। MHRD नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय हुआ। नई शिक्षा नीति को मोदी कैबिनेट से मिली मंजूरी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यह फैसला मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया है। इस बैठक के दौरान मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी है। अब आइए देखते हैं क्या क्या मंजूरी मिली है। HRD का नाम अब शिक्षा मंत्रालय हुआ। नई शिक्षा नीति को भी मोदी कैबिनेट की मंजूरी। शिक्षा मंत्रालय नाम करने के प्रस्ताव को मंजूरी। नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लगा दी गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यह फैसला मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया है। इस बैठक के दौरान मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी सरकार की ओर से 4:00 PM होने वाली कैबिनेट ब्रीफिंग में दी जाएगी। गौरतलब है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया था कि मंत्रालय का मौजूदा नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए। इस प्रस्ताव पर मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी गई। अब पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी ताकि शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्था को खत्म किया जा सके। नई शिक्षा नीति के बाद हो सकते हैं ये सुधार। तो नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से सुधार हो सकते हैं वह इसे यहाँ बताया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी NHERA या हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया तय किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण 1986 में किया गया था और 1992 में इसमें कुछ बदलाव किए गए थे। 3 दशक बाद भी कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। केंद्र सरकार का मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव की ज़रूरत है ताकि भारत दुनिया में ज्ञान का सुपर पावर बन सके। इसके लिए सभी को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दिए जाने की ज़रूरत है ताकि एक प्रगतिशील और गतिमान समाज बनाया जा सके। शिक्षा मंत्रालय का प्राथमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा की क्वालिटी सुधारने के लिए एक नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क तैयार करने पर जोर है। इस फ्रेमवर्क में अलग अलग भाषाओं के ज्ञान, 21वीं सदी के कौशल, कोर्स में खेल, कला और वातावरण से जुड़े मुद्दे भी शामिल किए जाएंगे। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि अब MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय किया जा चुका है और नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी कैबिनेट द्वारा दी जा चुकी है, जो आज शाम 4:00 इसका विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। तो इस प्रकार यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को गुरुजी प्राइमरी एजुकेशन यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे
वीडियो का निरंतर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करते रहें। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।